क्या कर रहा है, इधर ले आनी है बुक्स। इसको ना छुट्टी है गाइस, तो इसको मैंने बोला कि अपनी बुक्स वगैरह ना अच्छे से सेट कर ले, इसको अच्छे से सेट कर ले। थोड़ी सी धूल अगर लग गई है ना तो वो अच्छे से साफ करनी होती है। लेट ही सो क्यों उठा है, आंखों से पता लग रहा है तेरा कितनी लेट से लाइट है। मैडम ने बताया तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। और अभी शाम को मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। अभी हमारा प्लान कुछ इस तरह है कि हम लोग जा रहे हैं मासी के घर, डिनर हम एक साथ कर रहे हैं। हम महीने में एक आधी बार कर लेते हैं सब लोग, कभी वो हमारे घर आ जाते हैं कभी हम लोग उनके घर चले जाते हैं, तो महीने दो महीने में एक बार हम लोग डिनर कर लेते हैं एक साथ मिलके, तो बढ़िया क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता है फैमिली का। सबसे पहले हम लोग जाएंगे आदू को इंस्टीट्यूट से लेने, साथ ही पिक कर लेंगे और फिर चलेंगे मासी के घर। ठीक है चलो। इतने दिनों बाद आज हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। जतिन तो जिस दिन लेकर आए थे ये तो बैठे ही थे, यही लेकर आए थे, तो मैं और मम्मा इतने दिन बाद बैठे और इतने दिन बाद बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है मम्मा? बहुत बढ़िया लग रहा है, इनको बोला था कि हमें ना कहीं घूमने लेके जाओ अपने मेरे को और मम्मा को, तो ये कहते हैं चलो डिनर पे ले जाते हैं मासी के घर। मैं चलो ठीक है, तो इसके बाद हम सोचे कि कहीं जाने का, बट आपको पता है अभी बरसात चल रही है तो इतना खास हमारा कोई प्लान नहीं है कहीं जाने का। कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद गाड़ी चला के? किस दिन लेके आया ना, हाँ। तो थोड़ा अजीब लग रहा था, हाँ। पर अभी ठीक है, एकदम से गाड़ी चलाना ना अजीब लगता है। मुश्किल तो नहीं लग रही है? नहीं मुश्किल तो नहीं लग रही, नहीं। अजीब ही लग रहा है। और गाइस ये लुधियाने का ट्रैफिक यार कभी खत्म नहीं होता। लोग कहते हैं दिल्ली में ट्रैफिक है, लोग कहते हैं भाई चंडीगढ़ में ट्रैफिक है। एक बार लुधियाना आओ, इतना ट्रैफिक है ना, चंडीगढ़ से तो ज्यादा है। चंडीगढ़ में होता है लाइटों की वजह से, लेकिन लुधियाना में होता है बेफालतू का। पर ना लुधियाना में एक बात अच्छी है कि बिल्कुल ऐसे नहीं होती गाड़ियाँ कट्ठी कट्ठी। दिल्ली वाली? दिल्ली में तो इतना गैप होता है अम्मा, पूरी ऐसा लगता है कि ले बजी धार ऐसे लगता है। चलो 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 चलो, ये बात मेरे को दिल्ली की बड़ी खराब लगती है, लोग बिल्कुल टच करके गाड़ियाँ लगाते हैं, मेरे को तो बड़ा डर लगता है। लगने का डर होता है, वहाँ पे लग जाए कुछ दिक्कत ही नहीं, जाओ बस अपना फटाफट। तो आदू आ गया और मम्मा ने आदू का इंस्टीट्यूट नहीं देखा अभी तक, तो हमने अभी दिखाया, मैं कहा वो रहा आदू का इंस्टीट्यूट, अन अकेडमी पेड़ के पीछे। ये देखो गाइस कितनी क्यूट लड़की है, छोटी सी, अभी पहले हमारी तरफ देख रही थी अब देख नहीं रही, हेयर स्टाइल कितना क्यूट बनाया है। गाइस हमारा अभी डिनर चल रहा है और दाल मखनी, चावल, गोभी की सब्जी, रायता और ये आम वाली चटनी, क्या बात। ये है हमारी लंगर वाली प्लेट, लंगर प्लेट बढ़िया मस्ती लो भी, तारीफ होगी। दाल दाल चटनी बचपन च मम्मी बनाते होंगे बड़ी ज्यादा, हाथ नाल ही खा लेना। परौंठी नाल ही खाने असीं, परौंठी नाल ही नाश्ते च, वो कहने लग दी है। The next day. So, हम लोग रात को घर आ गए थे और हम लेट घर आए, इसलिए रात को कोई भी व्लॉग हमने शूट नहीं किया, आते ही हम सो गए, इतनी ज्यादा नींद आ रही थी। तो अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 10, सुबह के कह लो या दोपहर होने वाली कह लो, फिलहाल ग्रीन टी पी के मैं खत्म हुई हूँ, सुबह सुबह मैं ग्रीन टी पीती हूँ। और मम्मा बना रहे हैं आज कड़ी। कड़ी बना रहे हो मम्मा? हाँ, फिर सावन का महीना है ना, फिर बननी एक महीना पूरा, मैं चल अज खवा दूँगा तुम्हें। अम्मा ने बोला कि चलो आज पकौड़े वाली कड़ी बना के खिलाती हूँ, क्योंकि सावन में नहीं खाते। क्यों नहीं खाते अम्मा? पूरा महीना बनती नहीं थी कड़ी। अच्छा, घर नहीं बनती? हाँ, हूँ जिवें आप माता दे जाने, नैना देवी, बाबा रघुनाथ है ना, उत्थे बनी हुंदी है कड़ी वैसे। अच्छा, घर च नहीं सौंदे महीने, कोई भी नहीं बनाउंदा है। ठीक है, तां करके मैं सोचा ना चल अज फिर कड़ी बनाईए। कहावत क्या बोली थी आपने? कहावत क्या बोली थी? कहावत ऐदा ही बनाई है सारे ने। हाँ, सौन दी कड़ी विपता कड़ी। तो गाइस सावन में पहले ही कड़ी बना लो आप लोग भी, क्योंकि सावन कितनी तारीख से चढ़ जाएगा? 21 तारीख से सावन बैठ जाएगा, फिर उसके बाद कड़ी नहीं खा सकते, तो इसलिए हम पहले ही खा रहे हैं आज बना के। कड़ी नहीं खा सकते, खीर पूड़े जरूर बनते हैं। खीर और पूड़े तो बनते ही है, और जरूर बनते हैं। और मतलब मैं मेहंदी भी लगाऊंगी, क्या कह रहे हो? अब तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाएंगे। प्याज और लहसुन तो उसमें नहीं खाते नवरात्रों में। अच्छा, उसमें नहीं खाते, इसमें तो खाते हैं। मैं तो मेहंदी लगाते हैं, चूड़ियाँ लगाते हैं, पूरा हार श्रृंगार करते हैं, तो मेहंदी लगाऊंगी मैं। ओके, नहीं मेरे को नहीं पता होता था कड़ी का त्यौहार, नहीं तीयों का मेरे को नहीं पता। तीज का त्यौहार होता, तीज शुरू होंगे
पूरा सावन में मिलना शुरू हो। अब मेरे को पता लग गया है कि तीज में क्या होता है, क्योंकि पिछले साल भी मतलब मनाया तो नहीं था, पर हाँ ऐसे पता है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करते हैं। ये तो मेरे को पता था कि सावन में सब मेहंदी वगैरह लगाते हैं, श्रृंगार वगैरह करती है सुहागने, और कवारी लड़कियां भी करती हैं, मतलब मेहंदी वगैरह लगाती है ना, शगन मनने रहंदा सावन की तीज दा, सारे तैयार होंदे ने चूड़ियां पा के मेहंदी लगा के, हां यानी खुशियां मनांदे ने सावन दा महीना जदों आउंदा ना, हां हां सारे लई वधिया हुंदा वा, पर बारिश ही नहीं हो रही पहले शुरू में हो गई, पता नहीं थी पता की सीगियां जब ब्याह हो जांदा सी कुड़ियां दा, हां सस दे मत्थे नहीं सी लगदे पूरा महीना, हमारे भी ऐसे ही होता है उधर तो, काला महीना बोलते हैं हमारे, हमारे उधर ऐसे बोलते हैं, जैसे पर नई नई शादी होती है तो पहले महीने में होता है, तो जब हमारी भी नई नई शादी हुई थी तो मेरे को लगा था कि काले महीने उधर जाना होता है, पर मेरे को लगा यहाँ पे है नहीं रिवाज, पर अब मानते नहीं है वैसे ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮੋ ਮੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਹੈ ਸੈਟਰਡੇ, ਆਦੂ ਕੋ ਹੈ ਛੁੱਟੀ, ਆਜ ਤੋਂ ਬਈ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਟ ਹੀ ਸੋ ਕੇ ਉਠਾ, ਅੱਖ ਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਡੇਢ ਵਜੇ ਸੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋ ਪੜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੋਟਰ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਕੇ ਫੇਰ आप देख रहे हो मेरा फेस बहुत खराब हो गया है यार, क्या कर रहा है, इधर ले आनी है बुक्स, इसको ना छुट्टी है गाइस, तो इसको मैंने बोला कि अपनी बुक्स वगैरह ना अच्छे से सेट कर ले, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा डस्ट बैठती है ना, सामने वाले कमरे से सीधी आती है, ऊपर से सीधी आती है, तो बुक्स पे डस्ट लग जाती है, तो बुक्स को साफ रखना जरूरी होता है, उधर रखा अपनी बुक्स, और इसकी बुक्स के लिए एक सोच रूम है कि स्टैंड मंगवा लेते हैं, क्योंकि अभी ऐसी बिना स्टैंड के हमने रखी होती है सारी बुक्स, इधर भी उधर भी सारे कमरे में इसकी बुक्स ही खिली हुई होती है, इसको अच्छे से सेट कर ले, थोड़ी सी धूल अगर लग गई है ना तो वो अच्छे से साफ करनी होती है, क्योंकि इसे पढ़ना है तो इसका आदर सम्मान करना होता है बाबू, ओके निकालना तो पड़ता है वो मैं समझ गई, पर इसको साफ रखना, ढंग से रखना, साफ ही है, दिख रही है तुझे धूल इसमें, धूल तो नहीं दिख रही, मतलब थोड़ा और क्लीन करना, बढ़िया रखना, वो तेरी जिम्मेवारी है, मेरे फेस पे इतने पिंपल हुए ना जब मैं कुछ गर्म चीज खा लेती हूँ ना, इतने पिंपल्स होते हैं यार, मैंगो शेक पिया अभी कुछ दिन पहले, इतने पिंपल्स से मुंह भर गया, गर्म चीज खा ही नहीं सकते यार सीरियसली, पहले हमने यहाँ पे बुक्स रखी थी तो अभी वहां पे रख रहे हैं सारा, बुक्स हमने आदू की यहाँ पे रख दी है, और पूरा रूम हो चुका है हमारा साफ, और इसको सफाई करने में कितने टाइम लग गया अम्मा हमारे को, दो मिनट और तो नहीं, कुछ एक घंटा तो लग ही गया है ना, एक घंटे से ज्यादा, क्योंकि हम सुबह भी कर रहे थे ना, फिर हम चले गए थे, तो अभी पूरा साफ हो गया है, ये अच्छे से चमक गया है, बढ़िया लग रहा है, अभी सैटरडे या संडे को हम कर लेते क्लीन, क्योंकि बाकी दिन तो आदू यहाँ पे पड़ रहा होता है ना, तो हमारे को टाइम ही नहीं लगता साफ करने का, इसलिए आज इसको छुट्टी भी थी, मैं कहा इसको साफ कर देते हैं, साफ सफाई तो हो गई थी, तो मेन काम भी अपने भी केयर करना बहुत जरूरी है, तो अभी मैंने फेस पैक लगाया है, और साथ में करूंगी मैं यहाँ पे एडिटिंग, मम्मा बना रहे हैं शाम की चाय, क्या कर रहे हो, मेरी चुगली कर रहे हो क्या, आराम आराम से मम्मा के साथ, मैं कह रहा हूँ जब मैं जॉब करता था, हाँ, तब जो काम को लेके मेरे अंदर आग होती थी ना, जो मेरे अंदर पैशन होता था अपने काम को लेकर, वो अब मेरे में रहा नहीं है, वो reason? मैं लॉस्ट कर चुका हूँ, रीजन मेरे हिसाब से ये है, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था खोने को, किसी चीज की परवाह नहीं थी, तो सब कुछ दाव पे लगा के जो दिल करता था वो करता, लेकिन आज खोने को बहुत कुछ है, मेरे को समझ ये नहीं आया कि खोओगे क्यों, पता नहीं उस वजह से वो पैशन है कुछ काम करने की, कुछ चीज करने की, जज्बा है, सोच का बहुत उम्र हो गई है, और क्या क्या बहुत उम्र हो गई है, अपने आप को बहुत मैच्योर समझ रहे हो, बहुत बड़ा समझ रहे हो, 35 साल का समझ रहे हो, है ना अम्मा, पर आजकल की सोसाइटी मम्मी ऐसे ही बन चुकी है, देखे है बेटा, मैं एक सीरियसली गल करदा, मैं अपनी गल नहीं करदा, बाकी बच्चों की भी गल करदा, जो मतलब कि मेरी उम्र दे या 25-26 साल दे या इस तो नीचे ने 22-23 साल दे ने, हर कोई बच्चा अज के टाइम पता की सोच रहा दूजे नूं देख के कि यार वो 21-22 साल की उम्र च महीने का लख कमा रहा है, 2 लख कमा रहा है, मैं तो हजे पढ़ रहा या मैं नहीं कमा पा रहा, तो बहुत लोग डीमोटिवेट होंगे इस चीज़ को लैके, सो वो चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए हैगी अजकल के बच्चों के, चीज़
मैं बहुत देख रहा बच्चा यार, बच्चा यार पता क्या है, ज्यादा चीज देख रहा है। पता क्या चीज करी है आजकल, मैं आपको सही बात बताऊं, चलो सोशल मीडिया सही है पर लोग पता क्या सोचते हैं, हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, हम पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दें, हम कुछ ना करें, बस हम यहां पे वीडियो। मैं तो भाई सबको ये कहता हूं, कोई मेरे को रियलिटी में मिलता है सामने से, या आदू हो, कोई भी हो, कोई भी बच्चा मेरे को मिलता है जो पढ़ रहा हो, तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, भाई पढ़ ले, जितना पढ़ सकता है पढ़ ले, ठीक है, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। Yes. पढ़ाई जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है यार, ऐसे नहीं है कि कुछ कर लिया, क्योंकि ये चीज जतिन हमेशा फील करते हैं अपनी लाइफ में। तो सारे लोग बोलते हैं ना कि अब पढ़ लो, कि अब ग्रेजुएशन कर लो, तो यार सच बताऊं तो ना अब दिल नहीं करता, अब दिल करता है कि बस काम करूं, पैसा कमाऊं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊं, फैमिली को खुश रखूं, अब ये मेंटालिटी हो रखी है। आपने कर दी ग्रेजुएशन, मैंने कर दी, एक ही बात है ना अम्मा, सही बोल रहा, अब आगे की मेरे को पढ़ाओ, अपने को पढ़ाओ, एक ही बात है बिल्कुल जी। तो ये व्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पे, एंड होप यू गाइस लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।